और आपको सीधा इस वक्त लिए चल रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त कुछ कह रहे हैं कोविड को लेकर। भयानक पद्धति ने म्हणजे आजचा जो आकड़ा है रुग्णांचा तो आजपर्यंतचा सगळ्यात उच्चांक गाठणारा हा आकड़ा है। जवळपास 60,212 एवढे कोविड पॉजिटिव रुग्ण आज आपल्या राज्यामध्ये नोंदवले गेलेले आहेत। 60,212 म्हणजे फार भीतीदायक ही परिस्थिती आहे। त्याच वेळेला मी एक आणखीन गोष्ट आपल्याला सांगू इच्छितो की साधारणतः गेल्या वर्षी जेव्हा कोविडने आपल्या राज्यामध्ये किंबहुना आपल्या देशामध्ये पहिलं पाऊल टाकलं तेव्हा आरोग्य सुविधा काय होत्या मी वेळोवेळी आपल्याला कल्पना दिलेली आहे। कोविडसाठी चाचणी करणारी जी लॅब आपण म्हणतो ती आपल्या राज्यात एक किंवा दोनच होत्या। आज सर्व मिळून जवळपास 523 चाचणी केंद्र आपल्या राज्यामध्ये आहेत। आता तुम्ही म्हणाल तुम्ही 523 सुरू केलेत ते केलेलीच आहेत पण तरी देखील चाचणीसाठी आणि चाचणीचे रिपोर्ट यायला उशीर लागतोय। कारण सरळ आहे की आता त्या वाढवलेल्या सुविधा सुद्धा आपल्याला अपुऱ्या पडायला लागलेल्या आहेत। प्रत्येक गोष्टीची एक क्षमता असते त्या क्षमतेपेक्षा अधिक भार जर कोणत्याही यंत्रणेवरती पडला किंवा टाकला तर साहजिकच आहे काही काळ हे असं चालत राहील आणि मग काही काळानंतर ती यंत्रणा कोलमडून पडेल। आज आपल्या चाचणी केंद्रांवरती प्रचंड ओझा आलेला आहे। रोजच्या रोज आपण चाचण्यांची संख्या वाढवतो आहोत। साधारणतः 85,000 करत होतो ते आता संवादून 2,50,000 गेलेले आहे अजूनही वाढवतो आहोत। मुंबईमध्ये सुद्धा आपण खूप वाढ केलेली आहे। कोविड केअर सेंटर्स गेल्या वेळेला साधारणतः 2,600 होते 2,665 आता 4,000 आसपास आपण केलेले आहेत। बेड्सची संख्या वाढवलेली आहे। बेड्ससुद्धा मी बघतो इकडे की गेल्या वेळेला किती होते गेल्या वेळेला साधारणतः 3,25,000 होते आता 3,50,000 वरती गेलेले आहेत। म्हणजे याच्यामध्ये सगळे आले आयसोलेशन बेड्स आले व्हेंटिलेटरचे आले साधारणतः मध्यम लक्षणाचे आले सगळेच। पण आता या सुविधांवरती भार यायला लागलेला आहे। मधल्या काळात आपल्याला कल्पना आहे की आपण MPSC 10वी आणि 12वी या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ व्हायला नको म्हणून ह्या परीक्षा आपण पुढे ढकलल्या आहेत। ह्या परीक्षा आपण पुढे ढकलू शकलो कोविडची लाट कमी झाल्यानंतर ते आपण घेऊ शकतो पण आपली जी परीक्षा सुरू आहे ती परीक्षा मात्र आपण पुढे ढकलू शकत नाही। माझे तर म्हणणे लवकरात लवकर त्याच्यामध्ये आपल्याला उत्तीर्णच व्हावं लागेल व्हावंच लागेल। आज बाजूने आपल्यावरती दडपण येते ऑक्सिजनची कमतरता जाणवते। मी मुद्दामून आपल्याला हे सांगतोय याचं कारण की मी गेले काही दिवस समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे त्यांच्याशी चर्चा संवाद करण्याचा प्रयत्न करतो आहे सगळ्यांचं एकमत करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। साहजिकच आहे मतमतांतरही असणारच पण ही मतमतांतर किती काळ आपण चर्चा करत बसायची चर्चा 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 निष्पन्न काहीच नाही हे आता परवडणारं नाही आहे। कारण हा जो कालावधी आहे हा जो वेळ आहे हा एकदा जर का आपल्या हातातून निघून गेला तर मग आपल्या मदतीला कोणी येऊ शकणार नाही। आणि ही सगळी परिस्थिती आता मी जी तुम्हाला सांगतो आहे साधारणतः आज आपल्या राज्यामध्ये 1,200 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचं उत्पादन दर दिवशी होतं 1,200 मेट्रिक टन। आजच्या घडीला आपण 100% ऑक्सिजनचा वापर हा पूर्णपणे आरोग्य सुविधांसाठी म्हणजे ज्यांना कोविडमध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे प्राणवायू त्यांच्यासाठी वापरतो 100%। आणि हा वापर जर 1,200 मेट्रिक टन आपला रोजचा उत्पादनाचा आकडा मी आपल्याला सांगितला तर साधारणतः आजच आपण 950 ते 1,000 टन प्रतिदिन एवढा ऑक्सिजन कोविड रुग्णांसाठी वापरतो आहोत। म्हणजे किती आपण काठोकाठ आलो ते बघा। बेड्स मिळत नाहीयेत ऑक्सिजन आता अपुरा पडायला लागलेला आहे। रेमडेसिवीर औषधांची प्रचंड मागणी वाढलेली आहे। रेमडेसिवीरचं सुद्धा मधल्या काळामध्ये मागणी एकदम खाली गेली आणि ती खाली गेल्यानंतर कंपन्याने उत्पादन जवळपास कमी केलं किंवा ना थांबवलं अचानक मागणी वाढली आणि मागणी वाढल्यानंतर हे औषध पुन्हा तयार करायला साधारणतः त्याला हे त्यांच्या शब्दात जे मला थोडंफार कळतंय समजतं ते मी तुम्हाला सांगतोय की ते औषध मॅच्युअर व्हायला 2 ते 3 आठवडे लागतात। आता तेवढा कालावधी त्याला द्यावा लागतो।
आता हळूहळू हा पुरवठा आपल्याकडे सुरू झालेला आहे. आपण ही औषधं कुठेही कमी पडू देणार नाही. जिथून मिळतील तिथून आपण घेतो आहोत. ऑक्सिजन सुद्धा मी मुद्दामून आपल्याला हा नकाशा आपल्या समोर दाखवतो आहे. केंद्राकडे आपण विनंती केलेली आहे. एक 4-5 दिवसापूर्वी माननीय पंतप्रधानांसमवेत जी व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली त्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सुद्धा ही परिस्थिती त्यांना सांगितली. साहजिकच आहे, पंतप्रधान आहेत, त्याच्यामुळे मी काही वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. रोजच्या रोज त्यांच्याकडे हा अहवाल जातो आहे. पारदर्शकपणाने सगळ्या गोष्टीला तोंड देतो. 60,000 से ज्यादा कोविड के मरीज पाए गए हैं. उनका कहना है कि हमारे ऊपर जो है जोर का दबाव है, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है. साथ में आईसीयू सेंटर जहाँ वेंटिलेटर है वहाँ पे भी जो है इसकी कमी महसूस होने लगी है. मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि हमने कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं थी उसको हमने पोस्टपोन की है और पूरी तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है इसका असर हो रहा है. कुछ दिन पहले मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बात की थी. उनसे भी मैंने बात करके कहा था कि किस तरीके से जो है महाराष्ट्र कोविड को लेकर लड़ रहा है. और साथ में ही मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी भी मांग काफी बढ़ गई है. ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है और जिस तरीके से ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो काफी डरावने वाले हैं. जनवरी और फरवरी में ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने जो है कोविड के ऊपर जीत हासिल कर ली है, लेकिन जिस तरीके से मार्च में जो है ये केस बढ़ने लगे उसके बाद में हालत काफी खराब हो गई. और साथ में ही मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि अगर इस वक्त अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो एक हफ्ते के बाद जो है स्थिति और खराब हो सकती है. वहीं मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि पूरी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर पूरा असर हो गया है. पहले जो है 950 टन जितने ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ती थी, लेकिन आज जो है 1200 मेट्रिक टन की जो है जरूरत हमें पड़ रही है. ऑक्सीजन आने मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो है लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद में जो है अस्पतालों में भी जो है जगह और बेड की कमी महसूस हो रही है. साथ में इंजेक्शन की डिमांड बढ़ गई है. इसके अलावा जो है पिछले कुछ दिनों में ये भी महसूस किया गया है कि कई लोग जो है आरटीपीसीआर करने जा रहे हैं उनको भी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है. और जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ही लगातार हम पिछले 3-4 दिन से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं. कितने ते टैंकर भरले जाणार आणि आपल्याकडे येणार, पुन्हा इकडे आणून आणून एका वेळेला किती आणणार, आणखी ऑक्सिजन लागणार, रोजची ही वाहतूक आपल्याला सुरू ठेवावी लागणार. रोज आपल्याला ऑक्सिजनचा पुरवठा लागणार आहे, रोज आपल्याला रेमडेसिवीरचा पुरवठा लागणार आहे. आणि ही सगळी परिस्थिती बघितल्यानंतर कहना है कि ऑक्सिजन की डिमांड जो है पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ गई है. अगर इसके ऊपर नजर डालें तो हम लोग जो है अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन तशी मदत आम्हाला जो 1200 मेट्रिक टन चाहिए आपल्या माध्यमातून चाहिए. हम जो कमर्शियल यूनिट है उससे भी बात कर रहे हैं. साथ में ही जो है हम लोगों ने केंद्र से भी विनती की है कि मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और मैंने साफ तौर से कहा था कि महाराष्ट्र बाकी जो राज्य है उनके मुकाबले आंकड़े छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा. जो भी सच है वही हम लेकर आ रहे हैं. हमने कभी भी आंकड़े जो है अगर 10,000 जितने मरीज अगर किसी जगह पाए गए हैं तो हमने कभी नहीं छुपाया. अगर 50 से 60,000 जितने मरीज एक दिन में हुए हैं तो हमने सही आंकड़े ही जो है पूरे देश के सामने रखा है. मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि हमने कभी भी कोई भी किसी भी मरीज की मौत हुई है वो हमने नहीं छुपाया है. मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसने साफ तौर से कहा था कि हमें और ऑक्सीजन की जरूरत है. जो अन्य राज्यों से भी जो है हम बातचीत कर रहे हैं कि वो जो है हमें ऑक्सीजन दे. इसके अलावा मैंने प्रधानमंत्री से ये भी बात की थी कि पश्चिम बंगाल जो 1300 किलोमीटर यहाँ से दूर है वहाँ कई सारे कारखाने हैं, वहाँ के जो है वहाँ से ऑक्सीजन लाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो रहा है. तो सरकार कुछ आर्मी की सहायता से ये ऑक्सीजन जो है हमारे तक पहुँचाए. साथ में ही उन्होंने ये भी कहा था कि साथ में ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि
हम इसके बारे में जो है ऑलरेडी बात कर रहे हैं बाकी राज्यों से भी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं कि बाकी राज्यों से हमें इसकी मदद मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो है हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर इसका असर हो रहा है, तो ये देखते हुए हम लोगों ने बाकी राज्यों से बात की है कि बाकी राज्य जो है वो हमसे जो है पूरी तरीके से मदद करें। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहा है कि एयरपोर्ट की मदद हमें मिले, ताकि एयरपोर्ट जो है पश्चिम बंगाल से जो है ऑक्सीजन महाराष्ट्र में लाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि हम लोग जो है लगातार एक दूसरे राज्य से संपर्क में है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद प्रधानमंत्री से फोन पे बात भी करूंगा और उनसे विनती भी करूंगा कि वो जो है जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन जो हमें चाहिए वो यहाँ तक पहुँचा है इंडियन एयरपोर्ट के जरिए वो हमारे पास पहुँचाए। इसके लिए मैं खुद प्रधानमंत्री से खत्ती लिखूंगा, मैं फेसबुक लाइव के जरिए भी उनसे विनती कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन महाराष्ट्र में चाहिए वो पहुँचा है। इसके अलावा तीसरी लाट चौथी मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि मैं खुद प्रधानमंत्री से विनती कर रहा हूँ कि जीएसटी बढ़ाने के लिए 3 महीने का और वक्त हमें दे। 3 महीने अत्यंत कड़क निर्बंध लावले, अगर राज्य में लॉकडाउन बैठता है तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है कि जो छोटे व्यापारी है वो समय पर जीएसटी भरे। इसलिए मैं खुद प्रधानमंत्री से बात करूंगा और कहूंगा कि जीएसटी की जो मर्यादा है वो 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाए। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि ऑक्सीजन की किल्लत जो है इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में महसूस हो रही है, इसको देखते हुए जो है खुद एयरपोर्ट की मदद वो लेना चाहता है, लेकिन एयरपोर्ट की मदद के लिए वो खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखेंगे और फोन से बात करेंगे। उनका ये भी कहना है कि फेसबुक के जरिए भी जो है मैं प्रधानमंत्री से विनती करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो है पूरी किल्लत जो महसूस की जा रही है वो ऑक्सीजन की हो रही है। ऐसे तो जो है हमें जो हमारे पास फिलहाल जो है 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है, लेकिन जो जरूरत है वो 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की है। इसीलिए जो है हमें और भी ऑक्सीजन लाने होंगे। इसलिए मैं बाकी के राज्यों से मुख्यमंत्री से भी बात कर रहा हूँ, उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि जहाँ पर केस कम है वो राज्य हमें मदद करे, वो राज्य हमें जो है डॉक्टरों की टीम यहाँ पर भेजे, साथ में ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो की खपत के लिए भी हमें मदद करे। आणखीन अशीच रुग्णवाढ राहिली, हाच वेग राहिला तर किती दिवसात किती रुग्णवाढ।